सर कैसे हैं? आज 12 अप्रैल 2019 है और एक शेयर का अपडेट लाया था पीसी ज्वेलर्स पे, और ये आज अच्छा खासा स्पेक देते हुए अपने मेन रेसिस्टेंस 108 को क्रॉस किया है और कहीं ना कहीं 118 की ओर जाते हुए दिख रहा था, 118-19। और अगर उसको क्रॉस करता है तो ये 150 की ओर जाते हुए दिखेगा ही, और आज की वॉल्यूम देख करके लगता है ये 150 की ओर जाने के लिए तैयार है। आज की वॉल्यूम है 9,38,85,112, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। और अगर वेटेड वॉल्यूम एवरेज भी देखें तो बहुत ही अच्छे से क्लोजिंग दिया, 107 की जगह 111 की क्लोजिंग दिया है, और 80% का बाइंग सेंटीमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी खासी बाइंग सेंटीमेंट है। और रिसेंटली देखेंगे तो कार्निया लिमिटेड हैज बाउट 37 लाख सिक्योरिटी शेयर पीसी ज्वेलर्स ऑफ 96। ये अप्रैल 10 को इन्होंने बाई किया, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका डिटेल भी है, अभी कुछ दिन पहले ही बाई किया है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो जहाँ यहाँ पे 73 लाख होता था, 1 करोड़ हुआ, 3 करोड़ हुआ, 3 करोड़ हुआ, अभी 9 करोड़ के साथ वॉल्यूम हुआ है। और डिलीवरी देखें तो 84,34,232 का है, 8% की डिलीवरी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी बाइंग है, सेंटीमेंट है, क्लोज हुआ है 111 पे, तो एक अच्छा सेंटीमेंट दिख रहा है, बाइंग सेंटीमेंट है, अच्छा है। और ये देखेंगे तो ये अपने जो इस लेवल को अभी जाकर 100 जो 50 दिन के डेमा को इसको जाकर के क्रॉस करने के लिए तैयार है 119 को, और अगर ये 119 को क्रॉस करता है तो आपको जाकर के 163 की ओर जाता हुआ ये दिखेगा। ये वीकली पैटर्न है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्रॉसिंग दे रहा है। और अगर डेली बेसिस पे जाकर के देखें तो ये सारे सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऑलरेडी वापस निकल चुका है और सबके ऊपर जाकर के खड़ा है, वॉल्यूम बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ है, तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी बाइंग डेली बेसिस पे दिख रही है, और हो सकता है ये आपको आगे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर जाते हुए दिखे। अगर मैं इसके RSI को देखो तो 84% है, तो 119 के आसपास जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्या करता है। और अगर वीकली बेसिस पे देखो तो 61% है, तो वीकली बेसिस पे ही एक लेवल को क्रॉस कर चुका है, कर रहा है। और अगर ये क्रॉस करता है 119 को तो फिर आपको आपको जैसे बताया कि 164 की ओर जाते हुए आपको दिख सकते हैं। हमें यहाँ पे 119 के पास एक गैप है इसका, तो 119 के पास गैप लेता है या नहीं लेता वो देखते हैं, और वहाँ पे रुकता है या नहीं। मेरे अंदाज से अब ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसमें बाइंग आ चुकी है और ये अब ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा ये यहाँ से सीनेरियो दिखता है। तो 119 का अगर ये ऊपर पार करता है 118-119 तो ऊपर की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। अगर डिलीवरी में देखें, डेरिवेटिव में देखें, पीसी ज्वेलर्स 113.65 पे क्लोजिंग दिया 25 अप्रैल का है, तो अगर हम एट द मनी जा करके देखें, एट द मनी के आसपास देखें 112-113 के आसपास, 110 पे, तो यहाँ देखेंगे 6.45 रुपये के कॉल के साथ बहुत ही अच्छा गैप अप दिया है, और यहाँ पे अच्छी 7,80,000 का यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, और जो शॉर्ट पोजीशन थी यहाँ से ऊपर की ओर से अनवाइंड होकर के 110 की ओर ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ पे सारे पोजीशन पे शॉर्ट किए जा रहे हैं। 110 पे भी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है, 100 पे भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है, अच्छा दिख रहा है ऊपर की ओर पीसी ज्वेलर्स, अभी तो अच्छा दिख रहा है। तो अगर कोई भी लॉन्ग करना चाहते हैं इसमें, कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, स्ट्रिक्टली आपको अगर रहे तो स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें तो यहाँ पे जो इसका स्टॉप लॉस था 84-85 लगा लीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई है तो 108 का आप 107 का लगा लीजिए, 105 का लगा लीजिए, 111 पे CMP है करंट मार्केट प्राइस, जो इसकी आज जो क्लोजिंग दिया है इसने वो 111.90 रुपये पे दिया है, ओपन 95 पे हुआ था और 114 का हाई, तो आप चाहें तो यही जो लो था 95.80 का इसी का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो 95.80 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग पोजीशन पे बना के रख सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत